साल 2009 में स्टार प्लस पर प्रसारित हुआ सीरियल यहाँ में घर घर खेली टीवी इंडस्ट्री का एक ऐसा शो है जो आज खत्म होने के सालों बाद ही दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जाता है। जिसकी कहानी आभा नाम की ऐसी लड़की की होती है जो कि राजघराने में पलती है, पर परिस्थितियां बदलने के कारण आभा और उसका परिवार काफी गरीबी भरी जिंदगी जीता है। बस यही थी शो की कहानी, जिसे इसके सभी कलाकारों ने काफी खूबसूरती से पर्दे पर पेश किया। लेकिन दोस्तों, इस सीरियल को खत्म हुए आज काफी समय हो गया है और इसलिए इन बीते सालों में इस शो में काम करने वाले कलाकार काफी बदल गए हैं, जिसके चलते आज उन्हें एक नजर में पहचाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको सीरियल में काम कर चुके कुछ कलाकारों के बदले हुए रूप से रूबरू करवाएंगे। तो आइए एक एक करके जानते हैं उन स्टार्स के बारे में। नंबर 1, शिशिर शर्मा। जी हाँ, लिस्ट में सबसे पहला नाम शामिल है अभिनेता शिशिर शर्मा का, जिन्हें इस शो में जगमोहन राम प्रसाद के किरदार में देखा गया, जो शो के अपने इस किरदार से दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हुए। बात करें इस दमदार अभिनेता के आज की, तो बता दें आज ये 66 साल की उम्र पार कर चुके हैं और इसी के चलते आज ये पहले से और भी ज्यादा बूढ़े दिखते हैं, पर बावजूद इसके आज इनका लुक पहले से भी ज्यादा स्टाइलिश हो गया है। वही बात करें इनकी पत्नी और बेटी की, जो मुंबई में इनके साथ रहते हैं, जहां रहते हुए इन्होंने आज भी अपने करियर को जारी रखा है, जिन्हें जल्द ही आने वाली फिल्म जर्सी में देखा जाने वाला है। नंबर 2, स्मिता जयकर। शो में आभा की मां यानी ठकुराइन चंद्र प्रभा की भूमिका खूबसूरती के साथ पर्दे पर पेश करने वाली अभिनेत्री है स्मिता जयकर, जिन्होंने अपने इसी किरदार के साथ काफी सराहना हासिल की। लेकिन अगर बात करें अभिनेत्री स्मिता के आज की, तो बता दें बीते सालों में वो बहुत बदल गई हैं। जहां शो में इन्हें काफी भारी भारी साड़ियों और ज्वेलरी में देखा जाता था, वहीं आज ये काफी ट्रेंडी और स्टाइलिश कपड़ों में नजर आती हैं, जिनसे इनकी उम्र पहले से और ज्यादा कम नजर आती है। बात करें इन्होंने सालों पहले मोहन जयकर से शादी की, जिनसे आज इन्हें 2 बच्चे हैं, जो आज अपने इसी परिवार के साथ मुंबई में रहती हैं, जहां रहते हुए इन्होंने आज भी अपने करियर को जारी रखा है। नंबर 3, आलोक नाथ। फिल्म में आभा के पिता के किरदार में नजर आने वाले अभिनेता हैं आलोक नाथ। बात करें इनके आज की, तो बता दें इन्होंने वर्तमान में अपनी 64 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है। ये आज अपनी 64 साल की उम्र में बूढ़े दिखते हैं, पर इसके बावजूद ये आज काफी स्टाइलिश दिखाई देते हैं। साथ ही इन्होंने आज भी अपने एक्टिंग करियर को जारी रखा है, जो साल 2019 में आई फिल्म दे दे प्यार दे में अभिनय करते हुए दिखाई दिए। वहीं वर्तमान में ये अपनी वाइफ आशु सिंह और अपने 2 बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। नंबर 4, करण वी ग्रोवर। शो में मुख्य किरदार करण जगमोहन की भूमिका को पर्दे पर उतारा था करण वी ग्रोवर ने, जिन्होंने शो में अपने लविंग और केयरिंग अंदाज से हर किसी को अपना दीवाना बना लिया। लेकिन अगर बात करें इस किरदार को पर्दे पर उतारने वाले अभिनेता करण वी ग्रोवर के आज के, तो बता दें 38 साल की उम्र ये कम्प्लीट कर चुके हैं और इस उम्र में इनका स्टाइल पहले से ज्यादा इम्प्रूव हो गया है, जिसके चलते ये आज पहले से भी ज्यादा हैंडसम दिखते हैं। वही बात करें इनके करियर की, तो बता दें कि इन्होंने आज भी अपने करियर को जारी रखा है, जहां इन्हें स्टार प्लस के शो कहां हम कहां तुम शो में देखा गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, पर ये वर्तमान में एक्ट्रेस पॉपी जब्बल को डेट कर रहे हैं, जिनके साथ कई प्यार भरी तस्वीरें भी शेयर करते हैं। नंबर 5, सुहासी धामी। शो में आभा की भूमिका निभाकर हर किसी के दिलों में छा जाने वाली अभिनेत्री का नाम है सुहासी धामी, जिनकी मासूमियत भरे किरदार को दर्शक आज भी भुला नहीं पाए हैं। बात करें इस खूबसूरत अदाकारा के आज की, तो बता दें सुहासी धामी आज अपनी 32 साल की उम्र कंप्लीट कर चुकी हैं। बात करें इनमें आए बदलाव की, तो जहां शो में ये सूट और साड़ी में दिखती थी, वहीं आज ये काफी स्टाइलिश कपड़े पहनती हैं, जिनमें ये काफी गॉर्जियस लगती हैं। बात करें इन्होंने 2007 में जयशील धामी के साथ शादी की है, जिनसे इन्हें एक बेटा है, जो आज अपने इसी परिवार के साथ मुंबई में रहकर खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, सभी कलाकारों में से किस कलाकार के बारे में जानकर आपको सबसे ज्यादा हैरानी हुई, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी मजेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।